हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, क्लास 9th का, जो कि है रियल नंबर्स। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल एंड रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये आज हम देखेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व कर लिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सिलेबस है वो हम MH बोर्ड के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, MH बोर्ड के हिसाब से। तो इरेशनल एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो इरेशनल नंबर, द नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू डैश से। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो कि रैशनल नहीं होता उसे हम इरेशनल कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी भाषा में हमने कह दिया, लेकिन अब इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के रूप में, ठीक है। तो अब एग्जांपल में मैंने लिया है रूट टू। अब देखिए, यहाँ पर रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूफ करना है। रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, प्रूफ। तो हम यहाँ पे कैसे इसको प्रूफ करेंगे? तो हमने अज्यूम कर लिया है, लेट अस अज्यूम रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर, सो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। हमने हमको क्या बताना है कि इरेशनल है, तो हमने अज्यूम क्या किया स्टार्टिंग में कि वो रैशनल नंबर है। अगर हम उसको रैशनल मानकर सॉल्व करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि वो एक रैशनल नंबर है। तो अब रैशनल नंबर अगर है तो रैशनल नंबर काय में आता है? पी बाई क्यू फॉर्म में। तो इसको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, क्लियर हुआ। अब पी बाई क्यू इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, हैंस पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अब p बाई क्यू फॉर्म क्या है? एक रिड्यूस्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का, क्लियर हुआ। क्या है? एक रिड्यूस्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का। देयर फोर हम क्या मान के चलेंगे कि p और q दोनों का एक एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? वन। वन के अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। ये रैशनल नंबर में होता है। लेकिन अब अगर हम बात करें रूट टू किसके बराबर है? पी बाई क्यू के। और अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो ये क्या हो जाएगा? रूट टू का स्क्वायर और पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। दिख रहा है प्रॉपरली? तो अब रूट टू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचा? टू। और यहाँ पर क्या हो गया? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो टू क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो गया? पी स्क्वायर के। दैट इज पी स्क्वायर इज इवन, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? इवन आ गई। तो अगर पी स्क्वायर इवन है इसका मतलब कि पी भी इवन होगा, है ना। अगर पी स्क्वायर इवन है देयरफॉर पी इज ऑल्सो इवन, मतलब इसका फैक्टर हमको क्या मिल गया? टू। एक फैक्टर हमको पी के लिए क्या मिल गया? टू मिल गया। वैसे ही हम क्यू के लिए भी फैक्टर निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर हम अज्यूम कर ले कि p इज इक्वल्स टू टू टी है, हम क्या अज्यूम करेंगे कि p इज इक्वल्स टू टू टी है। तो अब अगर इसका स्क्वायर कर दिया हमने तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर। और इसका स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर, है ना। t का स्क्वायर हो गया t स्क्वायर। तो अब टी स्क्वायर के इक्वल हमने क्या लिया था? टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर टी स्क्वायर लिख सकते, है ना। अब इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है? इसको हम अगर और मॉडिफाई कर दे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू टी स्क्वायर, है ना। तो अब इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि क्यू भी क्या है? इवन है। क्यू भी क्या है? इवन है। मींस हमको क्यू के लिए भी क्या फैक्टर मिल गया? टू। टू इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, है ना। टू भी एक फैक्टर मिल गया, मतलब टू जो है वो कॉमन फैक्टर है पी के लिए भी और क्यू के लिए भी। और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था?
कि वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अज्यूम करा था ये इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब इसके अपोजिट हो गया, इसके विरुद्ध हो गया। तो अगर इसके अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था कि रूट टू रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन हमारा गलत हो गया। इसका मतलब रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पर हम एक लाइन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि टू इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू अदर देन वन, देयर फोर आवर अजम्पशन दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच इज इनकरेक्ट और रॉन्ग। देयर फॉर आंसर क्या है कि रूट टू इज अ इरेशनल, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ सभी को कि रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है। हमने कैसे प्रूफ किया? हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, और फिर अगर रूट टू रैशनल है मतलब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा वन। लेकिन जब हमने आगे सॉल्व किया तो हमें पता चला कि टू भी उसका कॉमन फैक्टर है। दैट्स वाई हमारा अजम्पशन गलत है एंड इट मीन्स रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ सभी को? नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर। तो अब देखिए डेसिमल फॉर्म क्या होता है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ टू यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, मतलब हमको डिवीजन मेथड का यूज करके टू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू। ठीक है, अब टू को करना है तो टू से छोटा नंबर लेना पड़ेगा हमको, तो छोटा नंबर क्या हो जाएगा? वन, है ना? तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे वन। अब टू से छोटा वन क्या होता है? वन ही होता है। तो यहाँ पर वन माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे वन। तो यहाँ पर ऐड करके कितना मिल गया हमको? टू। और यहाँ पर कितना बचा? वन। अब टू आ गया, अब हमको क्या करना है कि इसमें एक और नंबर ऐड करना है। तो ये दो डिजिट्स बन जाएंगे। अब ये दो डिजिट्स बन गए लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ वन है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर में पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ज़ीरो। क्लियर हुआ सभी को? तो अब टू के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर लेंगे कि 10 से छोटा मिले? ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि दो डिजिट का नंबर है तो 10 से बड़ा ही आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम एक और ज़ीरो ऐड कर देते। अब देखिए क्या हो गया? 100। अब 100 कितने बार आता है? अगर हम यहाँ पर लिख दें टू टू, अगर हम यहाँ पर टू लिखते हैं तो यहाँ पर भी टू लिखना पड़ेगा और टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर किया था वन वन सार वन, है ना? तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर टू लिख दें तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा? फोर। और ये भी हो गया 4। 44 बहुत ही छोटा नंबर हो गया, है ना? तो अगर 5 लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 5 लिया अगर हमने तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड दिस 12। तो 125 बड़ा हो गया है, यानी हम यहाँ पर 4 लेके देखते हैं। तो 4 अगर लिया तो क्या आएगा? 24 इंटू 4, है ना? तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और ये 9। तो देखिए 96 मिल गया। मतलब 96 जो मिला हमको वो 100 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर भी लिखेंगे 4 और यहाँ पर भी लिखेंगे 4। ठीक है, और 4 इंटू 24, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 96। तो 96 माइनस कर दिया 100 में से
तो यहाँ कितना बचा 4, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर क्या करना है ऐड करना है, तो यहाँ पर कितना मिल गया हमें 28। क्लियर हुआ सभी को? अब हम क्या करेंगे, अगेन 28 में एक और नंबर यहाँ पर ऐड करना है, और यहाँ पर हमको ऐसा यहाँ पर 00 लिखने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर एक और नंबर ऐड तो करना है, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, किससे, 400 से छोटा। तो अगर हम 2 ऐड करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर रफ वर्क में कर रही हूँ, अगर 2 ऐड करते हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 2 × 2 = 4, 8 × 2 = 16, 1 कैरी, 4 + 1 = 5, 564 आ रहा है, मतलब 400 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। तो क्यों, क्योंकि 281 400 से छोटा है, तो ये नंबर हम ले सकते हैं। तो 281 यहाँ पर भी लिख देंगे 1, और यहाँ पर भी लिख देंगे 1। अब 1 × 281, तो आंसर कितना मिल गया, 281। ये माइनस कर देंगे हम, और यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा, ऐड करना है, तो ये हो गया 2, 8 और ये 2, ठीक है। और यहाँ पर हमको माइनस करके कितना मिल जाएगा, ये बन जाएगा 10 − 1 = 9, और यहाँ पर हो गया 9 − 8 दैट इज़ 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3 − 2 दैट इज़ 1। अगेन यहाँ पर हमको 2 ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे, तो 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए, इसका मतलब अब यहाँ पर एक और ऐसा नंबर चाहिए जो इससे थोड़ा छोटा हो, अ लिटिल छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा छोटा। तो देखते क्या ऐड कर सकते, 2 लेके देखते, है ना। मतलब नंबर क्या हो जाएगा फिर, 2 × 8 = 2 × 2 करना पड़ेगा, अगर ये 2 लिया है तो। तो अगर 2 लिया हमने तो 2 × 2 = 4, और ये भी 4, ये 16 और ये 5, देखिए छोटा हो रहा है बहुत। 3 लेके देखते हैं तो 2 × 8 = 2 × 2 = 6 = 4 = 6, ये 5, ये भी छोटा हो रहा है, सॉरी यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 2 कैरीज, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 2 = 8, ये भी छोटा हो रहा है। तो 5 लेके देखते हैं तो 2 × 8 = 5 × 5, है ना। तो 5 × 5 = 25, 2 कैरीज, 5 × 2 = 10 + 2 = 12, 1 कैरी, 8 × 5 = 40 + 1 = 41, 4 कैरी, एंड दिस इज 5 × 2 = 10 + 4 = 14। तो ये देखिए ये नंबर इससे बड़ा है, ये जो 3 वाला लिया था हमने ये बहुत ही छोटा था, और 5 वाला जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लेके देखना पड़ेगा। तो चलिए 4 लेके देखते हैं, तो 2 × 8 = 2 = 4 और × 4, तो 4 × 4 = 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 32, तो 2 × 3 carries, 4 × 2 = 8, 8 + 3 = 9, 10, 11। तो अब ये देखिए क्या ये नंबर इसके थोड़ा सा मिलता जुलता आ रहा है ना, मतलब ये नंबर हमको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, 4, यहाँ पर भी लिख देंगे 4, और यहाँ पर +4, अब 4 × 2 = 4, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 11296, ठीक है। तो इस नंबर को इस नंबर से माइनस करेंगे, और ये नंबर को हम ऐड कर देंगे, तो 2828 मिल गया हमें, और यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखते हैं कितना मिलेगा, 10 − 6 = 4, 9 − 9 = 0, 8 − 6 = 8 − 2 = 6, एंड दिस इज़ 0, दिस इज़ ऑल्सो 0, 604, और यहाँ पर ऑलरेडी 4 डिजिट में है, तो यहाँ पर भी 2 ज़ीरो ऐड करने पड़ेंगे। तो अब हमारे पास नंबर क्या बन गया, 60400, ठीक है, 60400। अब यहाँ पर हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो हम इसमें से माइनस कर सके, है ना। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 2 8 2 8 1 बहुत छोटा हो जाएगा, 2 लेके देखते हैं
तो 2 8 2 8 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5। देखिए ये नंबर 5 6 5 6 4। अब अगर हमने 3 लिया तो आई थिंक इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम यही वाला नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पर भी आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2 करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमको आंसर क्या मिल गया, 5 6 5 6 4, ठीक है। 5 6 5 6 4 हम माइनस कर देंगे 6400 में से, क्लियर हुआ। तो अब आंसर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3, दिस इज 13 माइनस 5 8, एंड दिस विल बी 9 माइनस 6 3, एंड दिस इज 0, है ना। 5 में से 5 गए 0 बचे, और यहाँ पर कितना बन गया, 2 8 2 8 4। अब देखिए ये फिर से नंबर आ गया, मतलब इसके आगे भी ये कंटिन्यू होते जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे डॉट 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 लगा सकते हैं। हम निकाल क्या रहे थे, 2 का स्क्वायर रूट, और हमको आंसर क्या मिला, आंसर कंटिन्यू होते जा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि देयर फोर रूट 2 का जो आंसर है वो क्या है, 1.4142 एंड सो ऑन। सो ऑन क्यों है, क्योंकि आंसर यहाँ पर कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू होते जा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, डिवीजन मेथड से 2 का स्क्वायर रूट निकाला। एक बार फिर से देखते हैं कैसे निकाला। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 था, तो 2 से छोटा नंबर हमें चाहिए था, तो वो होता है 1, है ना। 1 का यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर सबस्ट्रैक्ट किया, यानी माइनस किया। फिर 1 बचा, हमने पॉइंट लगा के 2 ज़ीरोज लिए। फिर हमने देखा कि 100 से छोटा नंबर कौन सा हो सकता है, तो हमने 22 देखा जो कि फेल हो गया, हमने 25 देखा जो कि फेल हो गया, तो हमें कौन सा फिट बैठा, 24। तो 24 इंटू 4 किया हमने तो 96 मिला, और 24 प्लस 4 करके यहाँ लिखा और ये 4 यहाँ पर भी लिख दिया, है ना। उसके बाद 28 बन गया, तो 28 में ऐसा कौन सा नंबर चाहिए था जो 400 से छोटा हो सके, तो हमने 28 में 1 ऐड किया, तो बहुत ये छोटा था, लेकिन जब हमने 28 में 2 ऐड किया तो हमें बहुत बड़ा मिल गया, ये देखिए। तो ये भी फेल हो गया, मतलब हमें यहाँ पर लेना पड़ा 281, फिर इंटू 1 किया तो 281 मिला, ये 1 यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर हमें ये नंबर मिल गया। तो ऐसे करते करते हमें एक पॉइंट, एक आंसर मिला 1.4142 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आंसर क्या था, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, क्लियर हुआ सभी को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, जो नंबर हमें मिल रहे हैं, वो अनएंडिंग है। अनएंडिंग है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, कंटिन्यू होते जा रहे, और ना ये रीअकर हो रहे। देखिए आपको कहीं पे लग रहा है कि ये वापस इसके बाद रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ऐसे नंबर है ये जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, इन दिस डिवीजन नंबर्स आफ्टर डेसिमल आर अनएंडिंग, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं हो रहे ये नंबर्स। इट मीन्स दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, कभी ख़त्म नहीं हो रहे, अनएंडिंग है, मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें कभी रिपीट भी नहीं हो रहे, है ना। आप ये यहाँ पे क्वोटिएंट में देख सकते हो कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक और लाइन लिखेंगे, इवन
नो ग्रुप ऑफ नंबर्स इज रिपीटिंग इन इट्स कोटिएंट। तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। समझ में आया? इस तरीके के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, इट मींस इट इज नॉन रिकरिंग। रिपीट नहीं हो रहे मतलब कभी वापस रिकर नहीं हो रहे, है ना, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे मतलब एक जगह ख़त्म भी नहीं हो रहे। सो सच नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इन इट्स डेसिमल फॉर्म। आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो अपने डेसिमल फॉर्म में कभी रिपीट भी नहीं होते और कभी ख़त्म भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर्स। समझ में आया? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं डेसिमल फॉर्म में, जो कभी ख़त्म नहीं होते और कभी रिपीट भी नहीं होते, रीअकर भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है प्रॉपर्टीज। तो योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर से एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी प्लस या फिर माइनस कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ सभी को फर्स्ट पॉइंट? अगर हम किसी रैशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर से प्लस या फिर माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा आंसर में? इरेशनल नंबर। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर टू, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आंसर में एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हमें आंसर में क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर। थर्ड पॉइंट है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी अ रैशनल और एन इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन कर रहे हैं किन्हीं दो इरेशनल नंबर का, तो आंसर में हमें या तो रैशनल नंबर मिल सकता है या फिर इरेशनल नंबर मिल सकता है। क्लियर हुआ? इसे हम समझेंगे एक एग्जांपल से। जैसे पॉइंट नंबर वन के लिए एग्जांपल है मेरे पास, √3 2√3 + 4√3। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये दो इरेशनल नंबर है ना, तो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका एडिशन हमें क्या मिलेगा? एडिशन हमको प्लस सिक्स। ये देखिए, तो ये पूरा क्या है? इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है।
अब अगर हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा, तो हमें आंसर मिलेगा 2 + 4 = 6। ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनके साथ रूट थ्री है ना, तो आंसर हमें मिलेगा 6√3 + 6, यही मिलेगा हमको आंसर। मतलब ये पूरा मिलाकर क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। हमारा पॉइंट वन यही कहता है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से प्लस या फिर माइनस कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ सभी को? सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का 2√3 से तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और ये √3 एज इट इज। मतलब ये आंसर भी क्या मिला हमें, देखिए इरेशनल नंबर। तो समझ में आ रहा है ये प्रॉपर्टीज, अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर इरेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अब थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा चेंज है। अब वो चेंज क्या है देखिए, तो थर्ड पॉइंट में चेंज ये है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर, अब दो इरेशनल नंबर कौन से हैं, जैसे कि 2√3 + 4√3, ठीक है, अब ये दो इरेशनल नंबर है, इन दोनों को प्लस करके हमें आंसर क्या मिलेगा, 6√3। मतलब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है ना। लेकिन अगर हम √2 और √2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर 2। हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है, और ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर को प्लस माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आंसर इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं फिर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग डाउट्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑफ रियल नंबर। अब ऑर्डर रिलेशन ऑफ रियल नंबर्स के लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स देन ओनली वन ऑफ द रिलेशन होल्ड्स गुड। अगर ए और बी दोनों रियल नंबर हैं तो दोनों में से कोई एक रिलेशन सही कहलाएगा, जैसे कि ए इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। मतलब अगर दोनों भी रियल नंबर से तो या तो दोनों सेम हो सकते हैं, या तो एक बड़ा एक छोटा हो सकता है या फिर एक छोटा एक बड़ा हो सकता है ना। अब पॉइंट नंबर टू क्या है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी देन ए इज़ ऑल्सो लेस देन सी। समझ में आया, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि ये 2 है और ये 3 है, फिर ये 3 है और ये 4 है, तो देखिए 2 3 से छोटा है और यहाँ पर 3 4 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी 4 से छोटा है ना। ये एग्जांपल से समझ में आया। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, मतलब ए भी सी से छोटा हो गया है ना, तो यही प्रॉपर्टी है। अब थर्ड देखते हैं प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ ऑल्सो लेस देन बी प्लस सी। अगर ए और बी, ए से बी छोटा है तो ए प्लस सी भी छोटा होगा किससे, बी प्लस सी से, ऑब्वियस ही बात है। देखिए ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं, ए की वैल्यू ए देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। अब देखिए ये वाला एग्जांपल, अगर ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3 और मान लेते हैं सी है हमारे पास 4, तो ए प्लस सी यानी 2 + 4 और बी प्लस सी यानी 3 + 4, तो इसका आंसर कितना आया, 6, और इसका आंसर कितना आया, 7। तो प्रूफ हो रहा है हमारी प्रॉपर्टी,
कि 6 7 से बड़ा है ना, मतलब ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0, देन ए सी इज़ लेस देन बी सी, समझ में आया। एंड इफ सी इज़ लेस देन 0, देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ये प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पार्ट है ये भी बिल्कुल थर्ड प्रॉपर्टी जैसा है, और जो सेकेंड पार्ट है कि अगर सी छोटा है तो ए सी बड़ा होगा और बी सी छोटा होगा। क्लियर हुआ सभी को? आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये प्रॉपर्टीज भी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का क्या होता है? तो हमें पता है कि अंडर रूट ए बी के बराबर है। हम ऐसे मान लेते हैं कि रूट ए जो है वो इक्वल टू बी है, तो अगर हम दोनों की स्क्वायरिंग कर दें, अगर हम दोनों की स्क्वायरिंग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए बचा और ये बी स्क्वायर है ना। अंडर रूट ए इक्वल टू बी है अगर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए मिल जाएगा हमें, है कि नहीं? वैसे ही अगर रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स है तो 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग की वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना। सिमिलरली वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन निगेटिव होता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है हमें। जैसे अगर इस स्टेटमेंट के लिए हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा? रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है ना, मतलब एक नॉन निगेटिव नंबर मिला हमको। इट मीन्स दैट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर निगेटिव। रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर हम अनरियल नंबर की बात करें, जैसे कि -3 का स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -3, मतलब रूट -3 इज़ नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रियल नंबर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा, यानी नॉट अ रियल नंबर। समझ में आया? बहुत ही सिंपल टॉपिक था ये कि अगर कोई रियल नंबर है और वो पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर कोई नॉन रियल नंबर है वो निगेटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें निगेटिव मिलेगा। क्लियर हुआ सभी को? तो ये टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।